गाइस मैं वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोटस हर्बल वाइट क्लो ऑटमिल एंड योगर्ट स्किन वाइटनिंग स्क्रब का रिव्यू। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका रिव्यू प्लस डेमो दोनों ही शेयर करूंगी, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की वाइट ट्यूब फॉर्म में आता है एंड इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑटमिल एंड योगर्ट। तो ये ऑटमिल एंड योगर्ट से बना हुआ फेस वॉश है। ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक वाइट ग्लो देता है, फेयर स्किन टोन देता है और ये हमारी स्किन को हेल्दी ग्लो देता है। तो इसलिए हम इस स्क्रब को यूज़ करके देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या ये सच में वर्क करता है, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, वाइटन अप करता है एंड हमारी स्किन को हेल्दी ग्लो देता है। एंड साथ साथ में हम इसका रिव्यू भी करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हमने सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है। अब मैंने इस स्क्रब की थोड़ी सी अमाउंट अपने पाम पे ली है एंड अब मैं इसे अपने अप्लाई करूंगी। सो गाइस इससे हमने बहुत ही अच्छे से जेंटली वे में अपने फेस पे मसाज करनी है। इसके अंदर छोटे छोटे ऑटमिल स्क्रबिंग बीट्स हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से स्क्रब करते हैं, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। ये ऑटमिल स्क्रबिंग बीट्स हमारे स्किन से ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेट्स को रिमूव करते हैं, हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करते हैं। नोज एरिया पे आपने इसे बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग करनी है क्योंकि हमारे नोज एरिया पे बहुत ही ज्यादा ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेट्स होते हैं। एंड आपने इसे फोरहेड पे भी बहुत ही अच्छे से स्क्रबिंग करनी है जिससे कि आपकी जितने भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाए। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने इसे बहुत ही हल्के हल्के हाथों से स्क्रबिंग करनी है, क्योंकि कोई भी स्क्रब हो आपने बहुत ही हल्के हल्के हाथों से ही उसे स्क्रब करना है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तेज से स्क्रब करेंगे तो आपकी स्किन पर रैशेज भी हो सकते हैं एंड आपकी स्किन रेड पड़ सकती है, इसलिए आपने स्क्रबिंग को बहुत ही हल्के हल्के जेंटली वे में आपने इसे मसाज करनी है। सो गाइस इसमें है ऑटमिल एंड योगर्ट जो कि हमारी स्किन को वाइटनिंग करते हैं, हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन से डर्ट्स को रिमूव करता है, हमारे स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज है उन्हें भी रिमूव करता है, ब्लैकेट्स एंड व्हाइटेट्स को रिमूव करता है एंड ये हमारी स्किन को ब्राइटर बनाता है एंड हमारी स्किन को एक हेल्दी एंड शाइनिंग ग्लो देता है। ये स्क्रब क्लेम करता है कि ये हमारी स्किन के डिसकलरेशन को सही करता है, हमारी डल स्किन को हेल्दी करता है, हमारे अनइवन स्किन टोन को ये सही करता है और ये हमारे स्किन टेक्सचर को एकदम इवन करता है। ऑटमिल हमारी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है एंड ये हमारे स्किन के जो नेचुरल मॉइस्चर है उसे बनाए रखता है, उसे बैलेंस करता है। योगर्ट हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हमारी स्किन को लाइटन अप करती है, रेड्यूस करती है हमारे इम्परफेक्शंस को और हमारी स्किन को एकदम सिल्की स्मूथ एंड ब्राइटन अप करती है। 10 मिनट तक आपने इससे अच्छे से स्क्रबिंग करनी है एंड उसके बाद आपने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि स्क्रब करने के बाद मेरी स्किन पहले से ज्यादा ब्राइट हो गई है एंड गाइस मेरी स्किन पे पहले से ज्यादा ग्लो आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन काफी ज्यादा स्मूथ एंड सिल्की लग रही है। सो गाइस काफी अच्छा स्क्रब है, ये हमारी स्किन को काफी ज्यादा इवन करता है, हमारे स्किन टोन को काफी ज्यादा ब्राइट करता है, फेयर करता है। सो अगर आप एक ब्राइट एंड हेल्दी स्किन चाहते हैं तो ये स्क्रब आप ट्राई जरूर करें। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो लोटस का ये स्क्रब थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू अदर स्क्रब। ये स्क्रब मुझे मिला है 270 रुपीज में एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। तो ये स्क्रब आप हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक अच्छी ब्राइटनिंग स्किन चाहते हैं। तो मैंने इसे अमेजोन से बाय किया है, ये आपको नायका फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से सभी जगह इजीली मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो गाइस आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो एंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।